हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, एक बात समझ लीजिए। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहां भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा को गोल बंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते, हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है। पहले भी हम लोगों ने बताया ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की, सरकार जो है कांग्रेस की जीत हुई है और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार है, बात की हार है। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव और उसमें मिली कांग्रेस को बड़ी जीत से काफी उत्साहित दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा है कि बजरंगबली जो है हनुमान जी जो है वो भाजपा से नाराज हैं, बजरंगबली जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं और इसी का परिणाम कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है जहां पर बीजेपी बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। देखिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, करीब करीब 136 के आसपास सीटें आई हैं और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद खुद कांग्रेस पार्टी को नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी का जो दक्षिण यात्रा हुआ जो पदयात्रा हुआ उसका असर साफ देखने को मिला है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और अगले कुछ महीनों में देश के दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक आ चुका है। तो इन तमाम मसलों को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुना देते हैं। आप एक बात समझिए, हम तो पहले ही बोल रहे ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे, इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार है, उनकी बात की हार है। उनके जितने सहयोगी हैं चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो या जो भी गोदी मीडिया करो मुंह में चोट लगेगा, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार और कहीं ना कहीं से एक संदेश पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोल बंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते, हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है। पहले भी हम लोगों ने बताया ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। उस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हैं, सब लोग बंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग काम में लगे हुए हैं। पिछले के वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने प्रयास कर किसी को कोई प्रयास कर ले दीजिए। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहां भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मतभेद करते हैं सबको सबक सिखाइए ना, कहो हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, एक बात समझ लीजिए।